मैयर से होकर सतना पहुंचने वाले मार्ग पर नगर निगम द्वारा आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। यहां पर आधा दर्जन जेसीबी मशीनें, दो हाईवा, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी और तमाम राजस्व अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण के लिए साल 2021 में प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बीच सतना नदी से डाली बाबा तक पहले फेज का अतिक्रमण हटाया जाना है। नगर निगम ने यहाँ के लोगों को नोटिस भी दिया है और अनाउंसमेंट के जरिए अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन नागरिकों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण जिला प्रशासन ने आज पूरे लाभ लश्कर के साथ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण किया गया है, कहां से कहां तक किया गया, कितना बल था, कितनी गाड़ियां थी। ये सतना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर निगम द्वारा रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में अतिक्रमण था। मास्टर प्लान के अनुसार यह रोड 18 से 24 मीटर के बीच में चौड़ी है, काफ़ी लोगों का इंक्रोचमेंट था। 50 से 55 के आसपास अतिक्रमण आज हटाए गए हैं। अब ये चौड़ीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसमें 6 जेसीबी, 2 हाइड्रा, डंपर, बहुत सारी मशीनरी का उपयोग किया गया था। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। जितने भी मकान बने थे क्या सब अतिक्रमण में? सभी थे, मास्टर प्लान के गाइडलाइन के अनुसार सभी लोग रोड की पटरी में। जिन्हें की रजिस्ट्री वाले मकान ऐसे बहुत सारे मकान, जब मास्टर प्लान का प्रकाशन जब से हो जाता है उसमें रजिस्ट्री वगैरह कोई काम नहीं आती है। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जबलपुर में हुई, कटनी में हुई, इंदौर में हुई। इस आधार पर वर्तमान में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी रोडों का चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। अभी डाली बाबा तक बना है और आगे जो प्रशासन लोगों का कोतवाली तक बनेगा, लेकिन पहले पेज में डाली बाबा तक मुआवजा के भी रजिस्ट्री वालों को जिसका उनका मुआवजा का कोई भी प्रावधान नहीं है। एफ आई आर का प्रावधान है, जिसका मकान टूटेगा, जो हमारे से परमिशन लेने आता है, तो एफ आई आर उसको 2 दिया गया तो 4 दे दिया जाता है। एफ आई आर में छूट है, बाकी मुआवजा का कोई प्रावधान। अतिक्रमण हटाने में कोई समस्या का? कोई समस्या नहीं, कोई विवाद नहीं, सभी लोगों ने सामंजस्यपूर्वक अतिक्रमण हटाने में सहयोग किया है। मैं सभी आम जनता का साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अपने शहर के विकास के लिए सभी लोगों ने सहयोग किया। ठीक है।